न्यूज फर्स्ट राजस्थान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट राजस्थान। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एमपीएल का ऑप्शन हुआ था और एमपीएल की टीम आज हमारे ऑफिस आई हुई है, हमारे स्टूडियो में आई हुई है और आज हम ऑफिस के अंदर एमपीएल के कई साथी हैं जिनसे हम सभी से एक एक करके हम बात करेंगे और साथ ही उनका परिचय भी जानेंगे और एमपीएल की शुरुआत क्यों की जा रही है। इससे पहले सीपीएल सवाईमाधोपुर शहर राजमार्ग के अंदर हुआ था और अब 19 तारीख से यानी कि कल से एमपीएल की शुरुआत होने जा रही है। तो आपका नाम? जी, मेरा नाम अनिश मोदी। एमपीएल जो कि 19 तारीख यानी कल से शुरू होने जा रहा है, ये टूर्नामेंट आपसी भाईचारे के लिए और आपस में लोगों को कनेक्ट करने के लिए कराया जा रहा है और इसकी एक वजह तो ये है और दूसरी वजह ये है कि हम खेल को बढ़ावा देने के लिए सिटी में जिस तरह से पिछले के दिनों में हमने देखा है कि खेल के प्रति लोग बहुत ज़्यादा मतलब दूर जाते जा रहे हैं, तो उनको नज़दीक लाने के लिए एमपीएल हम करवा रहे हैं, शुरुआत की है। तो जैसा कि एहतिशाम ने बताया कि लोगों के अंदर खेल के प्रति जागरूकता और खेल के प्रति रुझान पैदा करने के लिए और लोगों के अंदर एक जागरूकता लाई जाए, उसी के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इससे पहले भी राजबाग मैदान में कई प्रतियोगिताएं होती रही है और क्या वजह है कि ज्यादातर सवाईमाधोपुर के अंदर राजबाग के अंदर ही प्रतियोगिता होती है और भी कई जगह मैदान है, वहाँ क्यों प्रतियोगिता नहीं होती? नहीं, और जगह भी होती है, हमारे बजरिया के अंदर भी एसएमपीएल वगैरह होते हैं, लेकिन अभी कुछ ग्राउंड की प्रॉब्लम से वो 2 साल से नहीं हो पा रहा है। लेकिन सिटी की जो हमारी जो खुशकिस्मती है, जो हमारे पास एक अच्छा ग्राउंड है राजबाग ग्राउंड, जो एक प्रॉपर ग्राउंड है जो कि सवाईमाधोपुर सिटी में आपको शायद नहीं मिलेगा, वो ग्राउंड हमारे पास है, तो उसी का हम फायदा उठाते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल के प्रति जोड़ते हैं और हमारा उद्देश्य ही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेल की तरफ आएँ, खेल वो क्रिकेट हो या कोई भी हो, वो आएँ और खेल से तो क्या भाईचारा बना रहता है। जैसे सिटी में अगर आपको कहीं मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो सवाईमाधोपुर सिटी में आके देखिए कि जिस तरह से लोग भाईचारे से रहते हैं, वो सिर्फ उसकी एक वजह ये है कि सिर्फ हम खेल से जुड़े हैं। तो जैसा कि अभी अक्षम भाई ने लोगों को बताया कि खेल से जुड़ने से लोगों में भाईचारा वगैरह बढ़ता है, हम एमपीएल के दूसरे साथी को भी बुलाना चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ आए और एमपीएल के बारे में और अधिक जानकारी दें। जैसा कि एमपीएल के दूसरे साथी हमारे साथ आ चुके हैं, हम पहले इनका परिचय लेते हैं और जानते हैं एमपीएल के बारे में। जी, मेरा नाम सनी है और मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूज़ एंटी राजस्थान का, जिन्होंने इस एमपीएल प्रतियोगिता को लाइव दिखाने का और इतना सपोर्ट देने का हमारा योगदान दिया। और एमपीएल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इसकी मैनेजमेंट टीम का एक पार्ट हूँ और एमपीएल जैसा कि अभी हमारे एहतिशाम भाई ने बताया, जो कि इस एमपीएल के यहाँ पे दो ऐसे प्लेयर हैं, एक एहतिशाम भाई और एक रामू भाई, जो काफ़ी सीनियर और पुराने खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सिटी के अंदर इस क्रिकेट का जो एक मनोरंजन था, जो एक क्रिकेट की जो ये जो टूर्नामेंट सबसे हैं सबसे पहले नींव रखने वाले ये दो ही लोग हैं, तो इन लोगों ने इसकी शुरुआत करी और उसकी वजह से क्या है कि एक के साथ एक और आज इस एमपीएल के अंदर क्या है कि आपको बाहर के खिलाड़ियों को भी देखने का मौका मिलेगा, साथ में यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी इस प्रतियोगिता का इतना ज़्यादा उत्साह है लोगों के अंदर कि जैसे अभी यह 19 तारीख को कल पहला मैच है, मैं इसी के साथ सिटी डायमंड टीम का ऑनर भी हूँ, तो सिटी डायमंड मैंने भी टीम इस ऑप्शन के अंदर परचेज करी है, तो अभी से लोगों में इतना उत्साह है कि जितने भी लोग हैं सब अपने काम को आगे पीछे करके और वहाँ पर राजबाग ग्राउंड के अंदर कल आपको दिखेंगे। और एक जैसा आपने पूछा था कि राजबाग में इस प्रतियोगिता को करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए वहाँ पे स्टेडियम है, वहाँ सिटिंग कैपेसिटी है, फिर राजबाग एक तरह से जो उसका जो ग्राउंड है जो जिस तरह से बना हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट है क्रिकेट के नज़रिए से अगर देखें तो, ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया, मैं शुभकामनाएं देता हूँ हमारी टीम को और हमारे सभी आयोजकों को कि आगे भी इस प्रतियोगिता को इसी तरह से हम चालू रखें, जिससे कि एक तरह से सद्भाव भी बना रहे और एक खेल को इम्प्रूवमेंट जो क्रिकेट का जो इम्प्रूवमेंट जो चाहिए, जैसे बहुत जो चांस मिलता है, ऐसे कई जिसको बोलते हैं आप हिडन स्टार्स बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी परफॉर्मेंस देने का इस प्रतियोगिता में एक उनको नाम मिलता है
और उस नाम की वजह से वो पूरे फिर सवाई माधोपुर के अंदर फेमस होते हैं, फिर उनका गेम जाना है। फिर तो जैसा कि अभी हमने जो मैनेजमेंट के दूसरे एमपीएल के दूसरे कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनसे भी हमने बातचीत की, अब हम तीसरे सदस्य से बातचीत करेंगे। मेरा नाम सलमान जैदी है। सबसे पहले बहुत बहुत आभार आपका, मैं जब्बार जी को बहुत आभार देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस एमपीएल की टीम को अपने स्टूडियो में बुलाकर हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए चुना, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत आभार आपका। देखिए एमपीएल जो है इससे पहले भी काफ़ी टूर्नामेंट होते रहे राजबाग में, और इस कड़ी को जो रखने वाले दो लोग जो यहाँ मौजूद हैं हमारे सीनियर नितेश्याम भाई और रामदा राठौर, तो क्रिकेट के बैकग्राउंड इनका देखा जाए तो वाकई में क्रिकेट बैकग्राउंड के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और क्रिकेट को एक तरीके से देखा जाए तो सिटी के अंदर खासतौर से मैं कहूँगा क्रिकेट की एक न्यू ईयर जो क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था उस क्रिकेट को वापस से इन्होंने यहाँ जिंदा किया है। एमपीएल की देखिए दो तीन कुछ खास बातें जिन पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताई जाए। सबसे पहले कि सहयोग के तौर पे बिल्कुल जैसे आपसे सहयोग चाहिए और मैं बाकी दर्शकों से भी और जो भी सिटी के स्पेशली और या बाहर के लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि ये एक तरीके से देखिए आपका टूर्नामेंट है, सिटी का टूर्नामेंट तो है, उसके अलावा माधोपुर के भी इसमें काफी लोग जुड़े हैं, और इसमें अच्छी चीज ये है कि इस बार हम लोगों ने इससे पहले जो प्रतियोगिता हुई है उसमें बाहर के जिन्हें हम एक तरीके से आप देखा जाए कि जो बाहर के खिलाड़ी होते थे पहले दो ही खिलाड़ियों को रखा जाता था, इस बार हमने चार खिलाड़ी लिए जिनमें से तीन खिलाड़ी आपको टीम में खेलते हुए दिखेंगे। उसका रीजन ये है कि देखिए बाहर के जो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मर हैं उनको देखने लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए हमने तीन खिलाड़ी उसको लिए हैं, जिसमें काफी कुछ ऐसे अच्छे खिलाड़ी भी हैं जो कि एट प्रेजेंट में आईपीएल की कुछ अच्छी फ्रेंचाइजी टीम है जिनके प्रैक्टिस सेशन में भी अभी खेल रहे हैं, कुछ रणजी प्लेयर्स भी हैं, तो इस बार एमपीएल में आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि टूर्नामेंट को सफल भी रहेगा और आपको इसमें काफी हमारी मदद रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद और इस आयोजन कमेटी चेयरमैन, और इस टूर्नामेंट को कराने का बाकी सब चीज बता चुके हैं मैं, और मेन उद्देश्य नशे से दूर रखने का भी है, मतलब जो खिलाड़ी खेलेगा तो वो शायद नशा नहीं कर पाएगा, तो थकान होगी, तो मेन उद्देश्य ये भी है कि नशे से दूर रखने का भी है, और सभी लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है इस टूर्नामेंट में और बहुत अच्छे स्तर पे टूर्नामेंट होगा। और इसके अभी और भी आपके साथियों से बातचीत हुई उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं आया कि टोटल इसमें कितनी टीमें होंगी, कितने ओवर का ये मैच होगा, वो सारी चीजें आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें 10 टीम होगी, दो ग्रुप होंगे ए और बी ग्रुप, पांच पांच टीमों के ग्रुप होंगे, एक टीम चार मैच लीग मैच खेलेगी और क्वालिफाइंग जो टॉप टीम रहेगी वो खेलेगी, और जो लास्ट राउंड टीम है पहले मैच खेल के और जो आईपीएल तर्ज होता है वैसे पहुंचेंगे इसमें। हाँ तो कुल मिला के आईपीएल की तर्ज पर जो मैच किया जा रहा है, और हमारे चैनल के माध्यम से आप सवाई माधोपुर की जनता को खासतौर से क्योंकि सवाई माधोपुर के अंदर ही आईपीएल हो रहा है, तो सवाई माधोपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? खेल सब लोग खेल से जुड़े हैं, खेलें जिससे आपका शारीरिक विकास भी होगा और चीजें हैं जैसे नशा वगैरह जिससे नई जनरेशन दूर रहेगी, तो मैं सब चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस टूर्नामेंट से जुड़े और इसका हिस्सा बने। एमपीएल ऑप्शन हुआ था उसमें कई लोग आए थे और उन्होंने भी वहाँ अपने संबोधन में लोगों को कई चीजों से दूर रहने के लिए कहा था, जिसमें एक नशा भी आया था, एक जुआ भी आया था, तो इस तरह की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से भी रहे और खेल खेल की भावना से ही खेले। कमेटी के सभी सदस्यों से एक बार मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कैमरे के सामने आए ताकि हम सब एक साथ और इस मौके पर और भी कुछ अगर हमसे रह गया है तो वो भी आप चारों जो कमेटी के सदस्य हैं एमपीएल कमेटी के सदस्य वो बताएं। अगर कोई क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में उस वक्त नहीं आती जब हम एक एक करके बाद अभी चारों मौजूद थे, तो हमारे दर्शकों के सामने जो याद सब शहरवासियों के सामने आप देखिए मैक्सिमम जो बातें थी टूर्नामेंट से जुड़ी वो हमारे साथ ही बता चुके हैं, बाकी इसमें मैं अपील के तौर पे जो भी व्यूअर्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा या जो भी सवाई माधोपुर की जनता स्पेशली सिटी के जो लोग हैं उनसे यही अपील की जाएगी कि इसको ये आपका टूर्नामेंट है, हम लोग बस इसके आयोजन करते हैं, बाकी ये टूर्नामेंट आपका है और आप ही के लोग इसमें हमारे ही लड़के और हमारे ही भाई इसमें खेल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों से यही है कि टूर्नामेंट को सपोर्ट करें और जितना हो सके देखने भी आए, और काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं वहाँ पे जो कि आपको आने के बाद वहाँ पे पता चलेगी। साथ ही मैं आपका भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ जब कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, तो
देखा जाए तो आगे भी आपके साथ बना रहेगा और टूर्नामेंट को सफल बनाने में आपकी काफ़ी सहायता करें। इसके बाद इंटर कमेटी एक लेदर टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करेगी जिसके अंदर जो जूनियर्स बच्चे हैं और आई का प्लेटफॉर्म लेदर बॉल से ही होता है अंडर 14, 17, 19 तो एमपीएल कमेटी इसके बाद लेदर बॉल से टूर्नामेंट करके बच्चों को आगे ले जाने की प्रयास करेगी। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं सभी को जितने भी व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ जैसे ये जो एमपीएल हो रहा है इसके अंदर जितने भी जो नए खिलाड़ी हैं जितने भी जो बाहर से आ रहे हैं और जो यहाँ के लोकल खिलाड़ी हैं उन सभी को आपके सपोर्ट की और आपके प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर राजकोट शहर के अंदर कल मॉर्निंग के अंदर पहला मैच स्टार्ट हुआ टाइम 10-11 बजे का हमने स्टार्टिंग का टाइम रखा है तो जितनी ज़्यादा आप तादाद के अंदर पहुँचेंगे तो उसका हम सभी शुक्रिया। आईपीएल के अंदर जो ऑर्गेनाइज कमेटी है सिर्फ नाम की है, आप सब लोग इसमें ऑर्गेनाइजर हैं और आप भी इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं और आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सभी सिटी वासियों से मेरी दरख्वास्त है कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारा साथ दें और अच्छे से टूर्नामेंट को एंजॉय करें। तो जैसा कि अभी हम एमपीएल की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से मिले, आगे भी हम किसी और वीडियो के साथ किसी टाइप के साथ या किसी डिबेट के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें आप।